हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रेशमीज किचन मंत्रा। होप यू ऑल वेल। आज मैं शेयर करूंगी एक बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डिश जो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आज मैं बनाऊंगी एक प्रोटीन सलाद। प्रोटीन इसमें वेजिटेरियन फॉर्म में जाएंगे। तो आज मैं बनाऊंगी स्प्राउट सलाद। स्प्राउट से हमें मिलते हैं विटामिन ए, बी, सी और ई। स्प्राउट्स अल्कलाइज द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर। स्प्राउट्स में ऑल्सो हेल्प यू कीप योर ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल। ऑल्सो वेट लूज करने में भी ये हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आपके डाइट पे रेगुलर स्प्राउट रखते हैं तो उससे आपके हार्ट भी स्टेबल रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बनाती हूँ इस स्प्राउट सलाद को। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो ऐसे मेरे साथ देते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए नए रेसिपी के अपडेट के लिए। तो स्प्राउट सलाद को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्प्राउटेड मूंग बीन्स। तो मैं यहाँ पे हाफ कप स्प्राउटेड मूंग बीन्स ले रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप चिक पीस यानी कि काला चना, इसे भी मैंने स्प्राउट कर लिया है। और मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून पीनट्स यानी कि मूंगफली, इसे भी मैंने एक रात के लिए अच्छे से गला लिया है। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से एक बार मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा मसाला। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा, और मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून चिली पाउडर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को फिर से इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कुकुम्बर, तो इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। तो मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है, और मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी चॉप किया हुआ टोमेटो, और उसके साथ मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अनियन, और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कैरेट यानी कि गाजर, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और उसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 1 ग्रीन चिली, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कोकोनट। ये एकदम ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और मैं ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। अब इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार मैं मिक्स कर लूंगी। वेजिटेबल्स आप यहाँ पे आपके पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लेमन जूस। तो मैं यहाँ पे 1/2 लेमन की जूस ऐड कर दूंगी। आप इसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्रंच लाने के लिए ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून रोस्टेड मूंगफली, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी। तो बस यहाँ पे रेडी हो गया हमारा स्प्राउट सलाद। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कितना जल्दी यहाँ पे रेडी हो गया हमारा स्प्राउट सलाद। तो बस इसके बेनिफिट्स ही अच्छा नहीं है, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी आपके डाइट में इस स्प्राउट सलाद को रखने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको आज की ये छोटा सा रेसिपी अच्छा लगा हो तो इस रेसिपी को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई नए रेसिपी के साथ।